सो हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आर हैंडल आईडी इज @ संज्ञा गीत्स मस्ती 1825। सो आइए हमारे आज के व्लॉग को एंजॉय करते हैं। आज की तो फर्स्ट एग्जाम है और मेरी प्रिपरेटरी लीव है, क्योंकि जो भी बड़े बच्चे हैं उनको प्रिपरेटरी लीव दी गई है उनके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। और ये देखिए कितना बारिश वाला मौसम हो रहा है, रोड्स भी पूरे ऐसे गीले गीले से हो रहे हैं, बट मम्मा ने अम्ब्रेला कैरी कर रखा है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब मम्मा तो गीत को स्कूल में छोड़ के आ गई, अब मम्मा मेरे को उठा रही हैं। मेरी छुट्टी है ना तो मैं थोड़ा लेट से उठ रही हूँ, मुझसे नहीं उठा जा रहा। मैंने अम्मा को बोला, मम्मा ब्रेकफास्ट के लिए आप मेरे लिए फ्राइज बनाओ, फ्रेंच फ्राइज। तो अम्मा ने बोला कि आप भी पोटैटो को पील ऑफ करना सीखो, और मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। मम्मा आप ही मेरे को सिखाओ कि कैसे पोटैटो को पील ऑफ करते हैं, कि भाई मैं तो कुछ अलग ही कर रही हूँ। ये देखो, अरे मम्मा मेरे को सिखा रही हैं कि ना पोटैटो को पील ऑफ कैसे करते हैं। मम्मा ने बोला कि मैं उल्टा कर रही हूँ, मैं उल्टी डायरेक्शन में कर रही हूँ। उल्टी डायरेक्शन में नहीं करना, अपनी तरफ अपनी डायरेक्शन में करना है, मैं दूसरी तरफ कर रही हूँ। अब मैंने कहा मम्मा आपने पील कर ही दिया है तो अभी आप पूरा पील ऑफ कर दो, और मुझसे तो ये हो नहीं रहा। लेकिन हाँ, एक काम मुझे करना बहुत पसंद है, वो मैं ही करूँगी। अब वो काम क्या है वो तो आप सब देख ही लेना आगे जाकर। ये देखो, मैंने अम्मा को बोला कि मम्मा इनको फ्राई करने के लिए ऑयल में तो मैं ही डालूंगी। बड़ा डर लगता है फ्राई करते वक्त। एंड फाइनली टेस्टी टेस्टी यम्मी सी फ्रेंच फ्राइज मेरे रेडी हो चुकी है। एक्चुअली संडे है ना, तो मेरा कुछ पता नहीं रहता कि मैं नहाकर ब्रेकफास्ट करूंगी, बट अभी फिलहाल मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और मैं और मम्मा गीत को स्कूल से लेने जा रही हूँ। यहाँ पर हमारा स्कूल आ चुका है, स्प्रिंग मेडोज पब्लिक स्कूल। और जैसे हम लोग आए, हम देख रहे हैं भाई यहाँ पर तो कितने सारे पेरेंट्स की भीड़ है। एक्चुअली भी सारे सेक्शंस नहीं आए ना, तो इस वजह से सारे पेरेंट्स को रोका गया है बाहर कि पहले सारे बच्चे आ जाएं, फिर पेरेंट्स अंदर आएंगे वगैरह। तो हम लोग भी इस लाइन में खड़े हो गए हैं। एक्चुअली वैसे तो स्कूल के टाइम पर जब मम्मा गीत को लेने आती है तब तो मैं स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन आज मैं प्रिपरेटरी लीव थी तो मैंने कहा मैं भी एक बार उसका एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ कि मम्मा गीत को कैसे गेट नंबर 6 से मतलब लेती हैं। वैसे प्रिपरेटरी लीव है, बट मैंने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर ली थी सुबह उठकर, और घर पर जाकर मैं और भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लूँगी। बट मैंने सोचा थोड़ा सा गीत को भी लेने आते हैं, मेरी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। मम्मा को बता रही हूँ कि वहाँ पे हमारे वॉशरूम्स एंड एवरीथिंग। हम लोग थोड़ा आगे आ गए हैं, देख रहे हैं कितने सेक्शंस बचे हुए हैं। और फाइनली अब सारे पेरेंट्स जा रहे हैं लेने अंदर अपने अपने गिफ्ट को। मैंने सोचा आज मैं आई हूँ तो मैं ही मैम को कहती हूँ, मैं ही बुलाती हूँ गीत को। ये देखिए जो पर्पल टॉप में है ना, ये गीत की क्लास की क्लास टीचर है, फर्स्ट सी क्लास टीचर सिमरन मैम। वैसे मैम ने पहले देखा था मम्मा को, उसकी बात ही किया था ऐसे वो लोग बिना पेरेंट्स के नहीं देते।
पढ़े तो गेट नंबर 6 से थे और छुट्टी गेट नंबर 5 से हुई है। तो अब मैं और गीत फाइनली स्कूल से बाहर आ चुके हैं। गीत की अब होंगी मेन बातें स्टार्ट। अच्छा, बातें करते करते मैं आपको बताती हूँ कि यह हमारे स्कूल का गेट नंबर 1 जहाँ से बड़े बच्चों की छुट्टी होती है। बट आज उनकी छुट्टी थी तो इस वजह से आज वो बंद है। यहाँ पर हम लोग बस में बैठे थे तब मैं गीत के लिए बिस्किट्स लाई थी बिकॉज उसको बहुत पसंद है कि वो कुछ खाए छुट्टी के बाद और बातें करे। मेरा गीत के सेम आदत है, जब भी हम एग्ज़ाम करके आते तो हम ना मम्मा के साथ एग्ज़ाम पेपर डिस्कस करते हैं और गीत ही वही करती है। यहाँ पर कितने बेल बचा दिए, अचानक संदे से कौन आया, अनाया। अनाया को देखते ही मस्ती वाला मूड बन गया। हम दोनों जब भी मिलते हैं ना, हम दोनों मस्ती करते रहते हैं, कुछ अलग सा ही अंदर आ जाता है। मस्ती नहीं खत्म होती हमारी तो। और यहाँ पर ही मेरे को बता रही है कि कल तो एस्ट्रॉइड आएगा। मेरे का कुछ एस्ट्रॉइड नहीं आने वाला। और पीछे भाई अंकल ने पानी डाल दिया। मेरे का देखो तुम्हारी बातों पे अंकल भी पानी डाल रहे हैं। अब अनाया के साथ मस्ती कर गीत आ चुकी है ऊपर। अब वो पापा जी को भी बता रही है उसने एग्जाम में क्या क्या किया। एंड देन अब गीत ने अपनी बेल्ट उतार ली और अब धीरे धीरे करके गीत यूनिफॉर्म चेंज कर लेके और अपने सूखे कपड़ों में आ जाएगी। वाओ, सो नाइस। गीत मामा को दिखा रही है कि आज की क्लास में ना ये हिंदी दिवस की एक ड्राइंग टाइप बनवाई थी, वो गीत दिखा रही है। और यही बात ये अपनी फ्रेंड अमनी को ट्यूशन बता रही है कि आज मैंने ड्राइंग बनाई थी हिंदी दिवस पर। और अब गीत की मस्ती तो शुरू, ट्यूशन के बाद तो मस्ती करनी है। और आज की व्लॉग के एंडिंग यहीं पर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। प्लीज लाइक, share and subscribe to our channel. Bye-bye.